first of all, we will discuss a little bit about the poet and the author, Vikram Seth, The Tale of Melon City. You might be aware about melon, tarbuj, जिसको कहते हैं, ये तरबूज सिटी की कहानी है. तो let us see first, let us know a little bit about Vikram Seth. These are the designations which have been conferred with his name, Vikram Seth. TB stands for Most Excellent Author of the British Empire. ये है इसका short form. And FRSL, Fellow of the Royal Society of Literature. तो ये उनको उपाधि मिली हुई थी, ये सारे इनके नाम के साथ आते हैं. वॉज बॉर्न ऑन 28 June 1952 एंड ही इज अ इंडियन नॉवेलिस्ट एंड पोएट. ही हैज रिसीव्ड सेवरल अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने रिसीव किए हैं, इंक्लूडिंग पद्मश्री, साहित्य अकादमी अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान, डब्ल्यू एच स्मिथ लिटरेरी अवार्ड, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड एक्सेट्रा. And still the list continues. अभी उनके नाम के साथ और भी अवार्ड एड हो रहा है. His most famous creation was A Suitable Boy, a 1,349-page novel which propelled, made him in fact famous, brought him in limelight. जिसके कारण वो उनका नाम बहुत famous हुआ, that was A Suitable Boy. नॉवेल उनकी जिससे उनका नाम फेमस हुआ, लोगों ने उनके बारे में जाना. सेठ कलेक्शन ऑफ पोएट्री सच एज मैपिंग एंड बीसी टेल्स आर नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. उनकी पोएट्री का कलेक्शन जिसका नाम है मैपिंग एंड बीसी टेल्स, ये इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज में उनकी रिनाउंड कंट्रीब्यूशन है. देन अबाउट दिस फोन is a witty jab at powerful people. एक तरह से ये प्रहार है, एक witty का मतलब which is full of humor. एक तरह से humorous jab है. Poet has mocked the notion that it makes no difference to people who they are ruler, king or head of state. इसमें poet ने एक तरह से कटाक्ष किया है, एक सटायर है, आयरनी है, जिसको कटाक्ष करके व्यंग कहते हैं. तो उसने ये बताया है पोएट ने इस पोएम के थ्रू कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका राजा कौन है या उनके स्टेट का हेड कौन है, जब तक कि वो उनको शांति से रहने दे, उनकी फ्रीडम में बीच में उनकी फ्रीडम की तरह से कंट्रोल ना हो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अलाउड द फ्रीडम ऑफ थॉट. किसी तरह से उनके थॉट में जो उनकी सोच है, उनके रहने सहने का तरीका है, उसमें जब तक किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस रूलिंग थ्रोन की तरफ से नहीं आती, तब तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका राजा कौन है या हेड ऑफ स्टेट कौन है. तो यही थॉट को लेके ये जो पोएम है वो डेवलप किया गया है. हियर इन दिस पोएम इज अबाउट द किंग हु इज जस्ट एंड प्लेसी. ये एक ऐसे राजा की कहानी है जो कि जस्ट है, जस्ट कह सकते हो अनबायस्ड, जो कि बहुत ही फेयर है अपने जजमेंट में, किसी भी तरह का बायसनेस नहीं है, किसी के साथ भेदभाव वो नहीं करता. एंड प्लेसिस वेरी काम एंड जेंटल, बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का है. इनफैक्ट इट इज काइंड ऑफ सटायर, व्यंग है राजा के ऊपर. आगे आप जैसे प्रोसीडिंग देखोगे इस फॉर्म की तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह का जस्ट है, अनफेयर है, और किस तरह का काम है उसकी कामनेस, किस तरह की वो आगे आप फॉर्म में देखोगे. Who carries his notion of justice too far? वो अपना जो आइडिया है जस्टिस का, न्याय का, जो उसका विचार है, वो इतना ज्यादा उसको खींचता है that he has to lose his life. Sorry, life. अपनी जिंदगी चली जाती है, वो अपनी जिंदगी खो देता है. The Melon City's generous but foolish king once ordered the public to build an arch.
not processing properly. Are you able to see the screen? आप लोग देख पा रहे हो ना? Can you see the screen? Yes, ma'am. तो यहाँ पे आप देखते हो इसमें मेलन सिटी जेनरस बट फुलिश थिंग. जेनरस मतलब उदार हृदय का है लेकिन वो बेवकूफ है. ऑर्डर्ड द पब्लिक टू बिल्ड एन आर्च. उसने एक आर्च बना लिया. आर्च का मतलब होता है द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. एक इस तरह का स्ट्रक्चर जैसे कि आप इंडिया गेट देखते हो, गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट, ये सारे स्ट्रक्चर जो है दे आर आर्च. तो ऐसा जहाँ से कि रोड या रास्ता होता है, जहाँ से रास्ता आर्च निकलता है, तो वो एक बनाने के लिए एक बार ऑर्डर देता है. जो राजा है वो आर्च बनाने के लिए ऑर्डर देता है. और वो खुद जब वो जाता है उसके इंस्पेक्शन के लिए, व्हेन ही गोज फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ दैट आर्च, तो उसका क्राउन जो होता है वो बम कर जाता है उसमें. उसका क्राउन उसके साथ, क्योंकि आर्च जो था दैट वाज नॉट वेरी हाई इन हाइट, तो उसका आर्च, क्योंकि बिकॉज द किंग वाज राइडिंग हॉर्स, तो उसका आर्च उससे टकरा के नीचे गिर जाता है. द किंग क्राउन फेल बाय पासिंग थ्रू दैट आर्च एंड ही डिसाइडेड टू हैंग द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इनकरेक्ट आर्च डिजाइन. और उसने क्या ऑर्डर किया, जैसे ही उसका देखता है तो वो लेती है, हाँ बोला है, कूल किंग जो था, बहुत ही जेंटल किंग जो था, वो गुस्से में आ जाता है. और गुस्से में आता है तो कहता है, और कहता है कि कोई ना कोई किसी को पनिशमेंट देना पड़ेगा, ताकि उनके साथ जो डिसग्रेस हुआ है, उनका डिसरेस्पेक्ट हुआ है, दैट इज टू बी पेड बाय समवन और द अदर, किसी न किसी को उसका भुगतान करना पड़ेगा. तो इस तरह से वो ऑर्डर देता है कि जिसने आर्च को डिजाइन किया, जिसने आर्च को बनाया, उसको हैंग कर दिया जाए, उसको लटका दिया जाए फांसी पे. तो हियर विल सी द समरी. द टेल ऑफ मिलन सिटी रन्स लाइक फोक टेल. ये फोक टेल जैसे कि आप कहानी लोक कथा सुनते हो उसी तरह की है. द सिटी कॉल्ड मिलन सिटी बिकॉज़ इट्स रूलर इज अ मेलन. मेलन सिटी इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका राजा जो है, किंग जो है, वो एक मेलन है, तरबूज है, वहां सिटी का राजा है. और इससे रिलेटेड एक क्यूरियस स्टोरी है जो कि आगे आप पढ़ोगे जब होम तो समझोगे क्यों इसका किंग जो था वो एक मेलन बना, एक तरबूज को क्यों उस सिटी का राजा बनाया गया. तो ये हम आगे होम में पढ़ेंगे. Once a fair gentle king ruled over a state, he got an arch built across the thoroughfare. As he passed under the low arch, it struck his head and he lost his crown. Unka crown jo hai wo niche gir jata hai. He thought it a disgrace and ordered the chief of builders to be hanged. The chief laid the blame on workmen. Ab jaise usne usko phansi pe, जो चीफ ऑफ बिल्डर था उसको फांसी पे लटकाने को कहा कि क्योंकि उसका उसके सर से उसका क्राउन गिर गया है, तो जिसने इस आर्च को बनाया है उसको फांसी पे लटका दिया जाए. अब चीफ ऑफ बिल्डर था, उसको अपनी जान बचानी थी, तो उसने जो ये ब्लेम था इल्जाम लगा दिया वर्कमैन पे कि काम करने वाले मशीन जो थे दे हैव डिड दिस मिस्टेक. तो उसने दे हैव डन दिस मिस्टेक एंड दैट्स व्हाई दे आर टू बी हैंग्ड. The workmen were surprised. अब जो काम करने वाले थे मशीन पर, quite surprised. They said that the bricks were made of wrong size. अब वो किसके ऊपर blame डालते? So they blamed bricks. That the bricks were made of wrong size. Bricks जो थी, ईंटें जो थी, वो गलत साइज की बनी हुई थी. इसलिए उनसे जब गलत साइज की तो उसे आर्च बनाया गया, तो वो भी गलत बन गया, उसकी हाइट रॉन्ग हो गई. So the masons were thought guilty. Masons shifted the blame to the architect. और masons ने किसके ऊपर blame किया? Architect who had designed that arch. तो जिसने arch को design किया था उसके ऊपर, architect के ऊपर उन लोगों ने blame कर दिया, क्योंकि उनको अपनी जान बचानी थी. The architect put the blame on king's doors as he had amended his original plan. अब वापस architect जो होता है, because he has to save himself, so whom did he blame? उसने ब्लेम किया किंग को. उसने कहा कि बिकॉज किंग हैड डन फाइनल अमेंडमेंट, किंग ने फाइनल डिजाइन में अमेंडमेंट किए थे, एंड दैट्स व्हाई किंग इज टू बी ब्लेम्ड. जो राजा है वो असली कल्प्रिट है. तो ये वो बताता है.
अब बिकॉज द पॉइंट हैड कम बैक टू द किंग, तो किंग वॉज इन अ डिलेमा. अब किसको करे, अब तो हैंग करने के लिए जो आ गया सामने, जो कल्प्रिट आ गया, दैट वॉज किंग हिमसेल्फ. तो उसने फिर वाइज मैन से कंसल्ट किया, बिकॉज ही डिडंट वांट टू गेट हैंग. तो उसने वाइज मैन, जो उसके राज्य के बुद्धिमान लोग थे, उनसे डिस्कस किया. एंड ही हेल्ड द आर्च गिल्टी एंड ऑर्डर्ड इट टू बी हैंग. और जो उस राज्य के होशियार बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने किसको पाया, दे टोल्ड दैट दिस आर्च इटसेल्फ इज गिल्टी एंड इट इज टू बी हैंग. आज की ही गलती है और किसी की गलती नहीं है, क्योंकि राजा की गलती तो कभी हो ही नहीं सकती. राजा ने जो फाइनल डिजाइन में अमेंडमेंट किए थे, तो वो तो उसकी गलती है नहीं. आज गलत बन गया था, तो अब उसी को फांसी पे चढ़ा दिया जाए. अब आज कैनॉट बी हैंग, आज इज अ किंग, तो उसको तो फांसी पे चढ़ा नहीं सकते. पीपल बिकेम रेस्टलेस. अब वहां के जो लोग थे, सिटीजन थे, दे वॉन्टेड समवन टू बी हैंग. उनको बस कोई चाहिए था जिसको फांसी पे लटकाया देख सके, वो लटका हुआ देख सके. सो दे बिकेम रेस्टलेस एंड दे वॉन्टेड जस्ट एनी वन टू बी हैंग. वो चाहते थे कि कोई भी हैंग कर दिया जाए और इसका जस्टिस मिल जाए. मतलब ये डिस्ग्रेस हुआ है राजा के साथ, तो किसी न किसी को हैंग करके उसका न्याय मिल जाए, जस्टिस हो जाए. द काउंसिलर्स ऑब्जेक्टेड टू इट एज इट हैड टच द किंग. और जब आज को फांसी देने को कहा गया, तो जो काउंसिलर्स थे, उनके सभा के लोग थे, उन लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, उन लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई. उन्होंने बोला कि क्योंकि आज ने किंग का क्राउन टच किया है, so that's why it has done a pious job, means it has also turned into a pious thing. क्योंकि उसने पवित्र क्राउन को टच किया है, तो अब इसलिए उसको भी हैंग नहीं किया जा सकता. ये काउंसलर रीजन बताते हैं. लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि किसी न किसी को, तो दे बिकम रेस्टलेस बिकॉज दे वांटेड समवन टू बी हैंग. ओनली किंग हेड. और उसके बाद क्या होता है कि दे जस्ट फिट अ नूज. नूज का मतलब जो एक गैलो होता है, फांसी का फंदा बनाया जाता है, और वहां पे किसी न किसी को चढ़ाना है. तो दे ऑल आर चेक फॉर द करेक्ट फिटिंग साइज के लिए सभी को बारी बारी से. ऑल सिटीजन आर चेक्ड, ऑल काउंसिलर्स, सारे मिनिस्टर्स जितने भी होते हैं, सबका साइज चेक किया जाता है. एंड अल्टीमेटली whom they find that ask that noose fit into the king's head. जो राजा होता है उसी के सर पे वो फिट हो जाता है. और क्योंकि किसी न किसी को फांसी पे लटकाना था, नूज टेस्ट हुआ था, फंदा फांसी का लगाया गया था, किसी न किसी को लटकाना था, तो राजा को लटका दिया जाता है. अब राजा जब फांसी पे लटक जाता है, तो दैट स्टेट हैड बिकम विदाउट किंग. सो समवन इज टू बी एनथ्रोन्ड, समवन हैज टू बी मेड द किंग. दिस वाज द क्वेश्चन. नाउ अगेन द वाइज पीपल ऑफ दैट कंट्री डिसाइडेड that whoever is the first person passing through that arch, he will decide. City gate से पहले जो भी cross करेगा city gate, he will decide the next king. Now there was a foolish person who liked melon too much. एक बेवकूफ आदमी होता है वहां पे, आता है उस रास्ते से, जो कि जिसको मिलन बहुत पसंद था. एंड फॉर ऑल क्वेश्चंस हिज स्टैंडर्ड आंसर वाज अ मिलन. कुछ भी उससे पूछा जाता, क्या पसंद है, कहाँ जा रहे हो, क्या चाहिए, तो हिज स्टैंडर्ड आंसर वाज अ मिलन, एक तरबूज. बस उसको इतना ज्यादा तरबूज पसंद था कि सारे क्वेश्चन का आंसर एक मिलन होता था. अब obviously when he was asked about the next king, then he answered a melon. और उसकी बात को follow करके वहाँ उस राज्य में एक melon को राज्याभिषेक कर दिया गया, enthroned कर दिया गया, राजा बना दिया गया. तो लोग सारे कल से अपनी life happily जीने लगे. और जैसा हमने starting में discuss किया था कि people are not at all concerned if the ruler does not object their normal course of life. अगर उनके नॉर्मल लिविंग में, लिविंग स्टैंडर्ड में, किसी तरह का लिविंग जो उनकी बिलीफ है, थॉट्स है, उनका तरीका है, वे ऑफ लिविंग है, इफ इट इज नॉट इंटरफेयर्ड बाय द रूलर, देन दे डू नॉट ऑब्जेक्ट एनीवन बीइंग द किंग. किसी उनको कोई मतलब नहीं होता कोई भी राजा बन जाए, बस उनकी जो लाइफ है दैट शुड गो ईजी. तो इस तरह से ये मेलन होता है वो राजा बनता है. और ये मिलन सिटी की कहानी है.
it was announced that next man who passes this they have so the Milan was crowned as king. So this is all about the summary of this chapter. Now we will go through the reading of this. अब हमें देखना है कैन यू ऑल सी द स्क्रीन यस मैम पार्ट ऑफ द बुक द टेल ऑफ एंटीपाइट ऑफ मैपिंग व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1991 and is included in the collection of poems by Vikram Seth. So mapping as part of 1981 mein publish hua tha. The king in this poem is just replaced. Raja is poem ka just replaced hai. Just means unbiased and fair. Jo bilkul nyay priya hai. And placid means cool and calm. Does he carry his notion of justice a bit too far? Jo uska thought hai justice ko leke. क्या वो उसको बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग खींच के आगे तक ले जाता है विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स हिज होम लाइफ आफ्टर अग्रिसा अग्रिसा के बाद ये अगला राजा था इन द सिटी ऑफ दिस आइस किंग देयर वाज अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रांसली would expand the major thoroughfare to 85 spectators there. यहाँ पे जो कहानी शुरू हो रही है, it is a kind of ballad. ये ballad की form में है. इसमें city है, जिसके बारे में वो ये song create कर रहे हैं, जिसके बारे में वो सुना रहे हैं. यहाँ पे एक राजा था, जो कि just completed था, जो fair था और calm था. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है
Is it clear now? Can you listen to my voice? आ रही आवाज कि नहीं आ रही बताओ चल इज इट ऑडिबल यस मैम चलिए आपकी ऑडियंस बेटी अभी तक अच्छा बिल्कुल काम पूरे चेहरा था उसपे एक फॉर्म आ गया मतलब एंग्री लुक आ गया दिस इज द डिफरेंस उसका डिफरेंस हुआ है The chief of builder will be hanged. और chief of builder है जिसके लिए responsible है जिस ब्रेड के लिए उसको हाथी के पंखा दिया The rope and the gallows arranged. The chief और जो उसका फंडा था वो arrange किया था. The person is hanged. जो structure रहता है हाथी का फंडा उसपे उसको arrange किया गया वहाँ पे लाया गया. The chief of builder was laid out. और चीफ ऑफ विंटर जो था उसको लाया गया कि पास द चीफ कि ये बताओ जैसे वो राजा के सामने उसको ले जाया जा रहा था तो वो लाया है ओके इट वाज द वर्कमैन ओ सेड ऑल द कॉल अब जैसे राजा के सामने उतर रहा था तो उसने कहा कि राजा ये मेरी गलती नहीं है ये सब वर्कमैन की फॉल्ट है जो काम करने वाले थे लोग तो मैकेनिक थे उनकी गलती है और ये उनकी तो इनने कहा कि ओ देखो तो ही फॉल्ट द एक्टिंग विधि ऑफ हैंगिंग और इस तरह से फांसी देने का काम रोक देता है So the proceeding being judged and placed in jail now, he said, I must have all the workmen in the state. The workman looked surprised and said, Ah, the proceeding is to aage badhaya gaya aur ye kaha, kyunki jo raja hai, wo kuch fair se, he cannot do unfair, so wo bilkul bhi biasness unke andar nahi hai, वो जो भी सही है दैट ही विल डू अब ज्यादा ही कुछ काम थे क्योंकि उनको पता था कि दस पर्सन इस जो भी हैंड जो उनके साथ मुझे ट्रिक हुआ है जो उनका डिसरिस्पेक्ट हुआ है उस पर्सन को तो फांसी लगना ही चाहिए अब वो बहुत ज्यादा और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल थे क्वाइट थे और उन्होंने क्या कहा कि अब सारे वर्कमैन जो है उनको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया द वर्कमैन लोग सकता है सारे वर्कमैन जो थे कारीगर जो वहाँ के वो सब सरप्राइज हो गए ओके यू डू नॉट रियलाइज द बिग वर्ड ये है द रॉन्ग साइड बोलते हैं कि ओ राजा ये जो फॉल्ट है वो हमारी नहीं है आप इसको नहीं समझ पा रहे हो आप इसको नहीं जान पा रहे हो ये जो बिग है वो गलत साइड से बन रही है हमारी गलती नहीं है कि ये खास इतना लो बना और उसने आपके काम को बैन किया सब अब राजा ऑर्डर करते हैं कि चलो मैसेज को बुलाओ कॉल करो मैसेज को जो ब्रिज बनाने वाले उनको बुलाओ और मैसेज वहां पे आते हैं एंड दे वर क्विवरिंग दे वर शेकिंग डर के मारे सांप रहे थे वो अपना ब्लेम जो होता है वो आर्किटेक्ट पे डाल देती है आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है वो क्या कहते हैं मिसिंग जो होते हैं ब्रिक लेयर जो होते हैं ब्रिक बनाने वाले ब्रिक करने वाले तो वो क्या कहते हैं कि आर्किटेक्ट की गलती है और फिर राजा आर्किटेक्ट को बुलाता है वेल आर्किटेक्ट
So this is all for now. See you in the next.